प्रधानमंत्री के कानपुर के रोड शो के लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर जी हैं। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का 4 तारीख को जो है वो जनपद कानपुर में भ्रमण और रोड शो कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको देखते हुए 4000 से अधिक का जो है पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है और इसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में सिविल पुलिस, हमारी ट्रैफिक की पुलिस, हमारी PAC और ATS, STF, SPG के लोग भी सभी जो है वो लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के जो है वो शाम के समय का कार्यक्रम है और जो GT रोड है उससे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। रूट पे भी पर्याप्त मात्रा में जो है वो पुलिस बल और व्यवस्थाएं की गई हैं। रूट डाइवर्जेंस भी किए गए हैं। GT रोड में भी जो है वो बैरिकेटिंग कराई जा रही है और साथ ही साथ जो है वो माननीय के कुछ समय पहले जो है GT रोड को जो है वो ब्लॉक किया जाएगा, बंद किया जाएगा। उससे पहले डाइवर्ट रहेगा तो GT रोड चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि GT रोड पूरी तरह बंद हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग से जो है उसको हम लोग बंद करेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंसेज वगैरह के लिए जो है वो GT रोड खुला रहेगा और उनको जो है वो हम लोग ग्रीन कॉरिडोर देंगे यदि आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो है वो सभी पार्टी के पदाधिकारियों से भी बैठक हुई है और जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के दृष्टिगत जो सुरक्षा के नियम हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है। बैरिकेटिंग चल रही है। कल हमारी ब्रीफिंग हुई थी फोर्स की, आज हमारी रिहर्सल और डीब्रीफिंग है। इसके अलावा जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमने रूफटॉप ड्यूटीज़ लगाई हैं विभिन्न जगहों पे और बिल्डिंग्स में ड्यूटी लगाई गई हैं। हमारे जो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग थे उनसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है, रेलवे से, एयरफोर्स से। नो फ्लाइंग जोन जो है वो 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जो है डिक्लेयर किया गया है। किसी भी तरह के ड्रोन को जो है वो उड़ने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो पर्याप्त मात्रा में जो है वो व्यवस्थापन किया जा रहा है और इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, CCTV कितने CCTV लगाए गए हैं और ड्रोन की मदद से भी क्या निगरानी की जाएगी आसपास की? 50 से ज़्यादा जो है वो अभी तक CCTV कैमरा हम लोगों ने जो है वो लगाए हैं जिनका संचालन प्रारंभ हो चुका है और अन्य जो है वो जगहों पे भी CCTV लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, उसमें सभी विभागों के पदाधिकारी और हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो उसमें बैठे होंगे। ड्रोन से जो है वो पुलिस विभाग विभिन्न जगहों पर निगरानी करेगा और इसके अलावा भी हमारी जो ATS की और STF की जो NSG की टीमें हैं, जो एंटी स्नाइपर और अन्य जो बहुत विशिष्ट उपकरणों से लैस टीमें हैं, उनको भी जो है डिप्लॉय किया गया है और उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। सर, क्या कुछ पार्टियों के लोगों को भी चिन्हित किया गया है, उनको क्या नज़रबंद भी किया जाएगा रोड शो के दौरान? सभी लोगों से जो है वो वार्ता हमारी चल रही है, हमारे लोकल ऑफिसर्स उनसे बात कर रहे हैं। अगर किसी का कोई ग्रीवेंस है तो लोकल लेवल पे उसको हैंडल किया जा रहा है, परंतु सुरक्षा कारणों से ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा कानून व्यवस्था को जो है वो यदि अपने हाथ में लिया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, उसका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप एडिशनल कमिश्नर हरिश्चंद्र जी थे, आपने बताया है कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर के पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, 50 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन की मदद से जो क्षेत्र है, जो सभा स्थल है, जो उनका, उस पर निगरानी की जाएगी। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर।